हेलो एवरीवन, गणपति पप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश जी का फेवरेट भोग है मोदक, जो कि आज हम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, टेस्टी बनके तैयार होता है। आइए देख लेते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 कप मावा। मावा हमने घर का लिया है, जिसको हमने ग्रेट किया है। साथ ही में अब सूजी, 1/2 कप आटा, 1 कप घी और 1 कप चीनी। गैस पे रखेंगे एक पैन। पैन में ऐड करेंगे देसी घी, यानी शुद्ध घी। मोदक का असली मजा शुद्ध घी में आता है। घी गर्म होने के बाद ऐड करेंगे सूजी, यानी कि सेवलेना सूजी। आप या मोटी या पतली कोई भी ले सकते हैं। साथ ही में हम इसमें आटा ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। हम इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने तक, जिससे कि इसका मॉइस्चर और कच्चापन निकल जाए, इतना ही हम सूजी और आटे को रोस्ट करेंगे घी के साथ। और हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, ताकि हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन करके तैयार हो। अब देखिए, हमारा आटा और सूजी हल्का हल्का सिक चुका है, और इसको हम कंटिन्यूसली लो फ्लेम पे ही चलाएंगे, ताकि इसका टेस्ट और मॉइस्चर बहुत ही अच्छा बने। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। 10 मिनट तक हम इसको हाफ सीखने का टाइम देंगे। और अब देखिए, हमारे आटे और सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मावा डालकर भी हम इसको लो फ्लेम पे लगातार चलाएंगे 5 मिनट के लिए, जिससे मावा और सूजी मर्ज हो सके, एक साथ मिक्स हो चुके। हमारी सूजी और आटा जब हल्की हल्की लगने लगे, तभी हम उसमें मावा ऐड करेंगे। इसका इंडिकेशन ये होता है कि हमारी सूजी और आटा सिक के अच्छी तरह से तैयार है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके ही हम इसमें चाशनी मिलाएंगे, ताकि हमारे मोदक बाद में टाइट ना हो। अगर आपको हमारी ये मोदक की रेसिपी अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल पे जाके बाकी और भी तरह के मोदक की रेसिपी देख सकते हैं। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। गैस पे रखेंगे इसी कढ़ाई को वापस। ऐड करेंगे 1 कप पानी, साथ ही में 1 कप चीनी। इसकी हम इस चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, अब हम इस चीनी को हाई फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, ताकि इसकी 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो। हमें इसकी 2 या 3 तार की चाशनी नहीं, सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह की, इस तरह की हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। 1 तार का इंडिकेशन होता है, दोनों उंगलियों के बीच में लेके देखिए, 1 तार बन रहा है, तो हमारी 1 तार की चाशनी बन के तैयार है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बंद करेंगे, और चाशनी और दोनों चीज़ों को ठंडा करके हम मिक्स करेंगे, ताकि हमारे मोदक टाइट ना हो। आप इनको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं। ये मोदक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और गणपति बप्पा को बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो हम इस गणेश चतुर्थी पे आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे मोदक बनते हैं। अब हम फिर से इसको हल्का ठंडा करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेंगे एक छोटा सा बोल और हम राउंड करके देखेंगे। देखिए, एक साथ मर्ज हो रहा है, बोल बन रहा है। यहाँ हम लेंगे एक मोदक मोल्ड, इसको घी से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और स्टफ भर के हमारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट सारा हम हटा देंगे, देखिए इस तरह से, और ओपन करके हमारे मोदक को निकालेंगे। देखिए कितना सुंदर मोदक हमारा बनके तैयार हुआ है। सभी मोदक को हम इसी तरह से बना के रेडी करेंगे। ये देखिए कितने टेम्प्टिंग और टेस्टी हमारे मोदक बनके तैयार हुए हैं। इनको हम गार्निश करेंगे ग्रेट किए हुए बादाम से, काजू से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम लगाएंगे थोड़ी सी रोज़ पेटल्स, यानी गुलाब की पत्तियाँ, जिससे हमारे मोदक देखने में बहुत ही टेस्टी लुकिंग, गुड लुकिंग और यमी लगे। देखिए, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। आप भी इस गणेश चतुर्थी अपने बप्पा के लिए बनाइए हेल्दी और टेस्टी मोदक सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।